भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है जो जुलाई महीने में आप सबके संचारी रोग नियंत्रण अभियान और जो दस्तक अभियान मनाए जाएंगे उसके द्वितीय चरण के व्यापक प्रचार प्रसार करवाने के लिए सरकार ने अभी एक धनराशि के आवंटन के संबंध में लेटर जारी किया है। ये लेटर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश से जारी है और मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा गया है। 17 जून तारीख को भेजा गया है और इसमें विषय दिया गया है कि माह जुलाई 2022 में प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान, इनके द्वितीय चरण का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के लिए धनराशि के आवंटन के संबंध में। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों जो तरह के अभियान हैं इनका उद्देश्य क्या है। तो यहां पर सबसे पहले इस पर ही बात कर लेते हैं। लिखा है, महोदय जैसा आप अवगत हैं कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनका त्वरित एवं सही उपचार माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विगत वर्षों की भांति वर्ष 2022 में भी संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय अपनाते हुए व्यापक अभियान चलाया जाना है और इस क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 10 जून 2022 वाली, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका संचारी रोग नियंत्रण अभियान है वो 1 जुलाई 31 जुलाई 2022 तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान? 1 जुलाई से 31 जुलाई, यानी पूरे जुलाई महीने भर ये चलेगा। फिर है दस्तक अभियान, इसका जो द्वितीय चरण है वो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। तो ये जो है आपका 16 से और वो 1 जुलाई से 31 और ये भी 16 से ये भी स्टार्ट, यानी 16 के बाद से 31 तक आपको डबल डबल जो अभियान चलाने पड़ेंगे। इधर आप देख रहे हैं तो 75 जनपदों में, उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में ये जो है यहां पर चलाया जाएगा। आगे इसमें दिया गया है बजट के बारे में, तो बजट जो मैं आपको बता दूं इसमें लिखा है कि 2,93,15,460 रुपया यहां पर बजट के स्वरूप इसके लिए जारी किया जा रहा है और बजट है इसके प्रचार प्रसार करवाने के लिए, जिसके संबंध में उन्होंने कहा है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित अभियान के सफल संचालन के लिए अभियान का जो व्यापक प्रचार प्रसार है वो माइक्रो प्लानिंग बैनर, पोस्टर, स्टीकर, पंपलेट, माइकिंग, इन सबके माध्यम से जो प्रचार प्रसार कराया जाएगा उसी के लिए ये जो है धनराशि यहां पर दी जाएगी। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित AES और JEE कार्यक्रम की आरओपी वगैरह यहां पर FMR वगैरह ये जो उनके सरकारी जो है चीजें होती हैं, नियम कायदे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग स्वीकृतियां दी जाती हैं, तो इसके हिसाब से इनका कहना है कि यहां पर रुपए जो है 1,1102 हैं, इतने जो है लाख हैं, 1,102 लाख यहां पे लिखे गए हैं, इतनी धनराशि प्रस्तावित की गई थी, परंतु यहां पर मार्च 2022 में भारत सरकार द्वारा यहाँ पर आयोजित जो है नेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन वगैरह की कमेटी की बैठक में उक्त मद में धनराशि ₹660 लाख अवमुक्त किए जाने की सहमति प्रदान की गई, परंतु जैसा कि आप अवगत हैं कि अभी तक भारत सरकार के आरओपी वगैरह 2022-23 की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उक्त प्रस्तावित अभियान के महत्व के दृष्टिगत जनहित एवं कार्यक्रम हित में अभियान को ससमय संपन्न कराया जाना आवश्यक है, अतः आपसे अनुरोध है कि आरओपी 2022-23 की स्वीकृति की प्रत्याशा में विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान जुलाई 2022 के सफल संचालन हेतु आवश्यक कुल धनराशि रुपये लिखी है 2,93,15,460 रुपया और यहाँ पर इसका आवंटन FMR और इसके अलावा ये लिखा है यहाँ पर वित्तीय वगैरह में जिसके बारे में लिखा गया है कि 2022-23 में प्रस्तावित धनराशि के पत्र के साथ संलग्न फॉन्ट के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों के निर्वर्तन पर अतिशीघ्र किए जाने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। तो ये देखो बजट का जो है यहाँ पर लेखा जोखा सब हो रहा है, प्रावधान किया जा रहा है। वेदव्रत सिंह जी हैं महानिदेशक, उनके स्तर से ये लेटर जारी हुआ था, तो आपके जो जुलाई में होने वाले अभियान है उसके यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ है, बजट से जुड़ा हुआ है। सोमती शर्मा बहन आती है कानपुर नगर से और उनके द्वारा ये जानकारी भेजी गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें अगली एक खबर आ रही है हरियाणा के यमुना नगर से, यहां पर आंगनबाड़ी वर्करों ने निकाला है रोस मार्च
सौंपा है अपने वहां विधायक को ज्ञापन। तो आइए देखते हैं यहां का क्या आलम बना हुआ है। तो जैसा कि आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर वहीं से निकल के आ रही, बहनें वहां पर ज्ञापन सौंप रही हैं। साथ ही साथ इनका कहना है सरकार पर वादा खिलाफी का बहनों ने आरोप लगाया है आंगनबाड़ी वर्कर बहनों ने, और कहा है कि रोस मार्च उन्होंने निकाला, भारी संख्या में वर्कर हेल्पर जिलाध्यक्ष उनकी रेखा सैनी इन्हीं की अध्यक्षता में बहनें वहां पर बस स्टैंड पर एकत्रित हुई थी। नारेबाजी वहां से शुरू हुई, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यालय तक बहनें पहुंची और सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद शिक्षा मंत्री कंवर पाल के निजी सचिव तेजपाल को भी ज्ञापन सौंपा है और 17 जून को अनाज मंडी में जोरदार प्रदर्शन बहनें जो है वहां पर एक बार फिर कर चुकी हैं, और साढ़ौरा वगैरह के विधायक जो है रेणु शर्मा को भी वहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये है कुछ बहनें वहां से जिनका अपना प्रदर्शन चल रहा है। हरियाणा के जींद से भी एक खबर आ रही है, जींद में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मांगों को लेकर के विधायक को अपने वहां ज्ञापन सौंपा है। अभी ये जींद का आप देखिए, यहां पर ये बहनें हैं। तो हरियाणा में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बहनें अपनी आवाज को उठा रही हैं, लेकिन विभाग अभी भी नहीं सुन रहा। यहां पर बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल जजपा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा से मिला है और उनको सीएम के नाम मांगों को लेकर के अपना ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा है कि आंदोलन के दौरान 975 आंगनबाड़ी में काम करने वाली कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिनका अभी तक मानदेय भी नहीं मिला है, और उन्होंने कहा है कि पूरा राशन व सिलेंडर भी आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं दिया जा रहा है, जिससे खाना पकाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है और कहा है कि निकाय चुनाव संपन्न हो जाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं महिला बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा से बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। अरे चुनाव हो जाने के बाद में कोई नहीं सुनता, ये कड़वा सत्य है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप कमेंट में कहिए। तो आप क्या इस मुद्दे पर सोचते हैं कमेंट में बताना। मैं तो यही समझता हूं कि जो है चुनाव हो जाने के बाद क्या, अरे यहां पर लोगों की उनके मेहनत के पैसे का सवाल है और उनकी नौकरी का सवाल है। चुनाव से पहले भी तो ये चीजें हो सकती हैं, इसके बारे में बस मंत्री जी को तो एक आदेश देना होगा, बस एक स्टेटमेंट देना होगा। इसके लिए चुनाव के बाद प्रयास क्यों, पहले क्यों नहीं हो सकते। बहनें 5-5 महीने धरने पर वहां बैठी थीं। अभी देख रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून से एक खबर आ रही है। देहरादून में बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने जा रहा है और कार्यकर्ताओं ने इसके लिए विभाग का यहां पर आभार वगैरह भी व्यक्त किया है, तो प्रशासन और विभाग दोनों का। गौरतलब है कि लंबे जो है यहां पर समय से जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश की मांग कर रही थी कार्यकर्ता बहनें उत्तराखंड में, और उनका कहना था गर्मी के कारण छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में आने में दिक्कत हो रही है, साथ ही उनके बीमार होने का भी डर बना हुआ है। तो यहां पर अब तो देख रहे हैं बरसात आने वाली है, गर्मी जाने वाली धीरे धीरे करके, लेकिन यहां पर जब लू वगैरह का टाइम था तो विभाग और सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना और बहनों को वहां पर ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं दिया। लेकिन खैर, उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार जी को वहां पर आभार व्यक्त किया है और आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो बहनों ने प्रयास किए जिसके बाद अब जाकर के कहीं सफलता मिली। उत्तराखंड के देहरादून से एक ये भी खबर है, भीषण गर्मी में मासूमों को आना पड़ रहा आंगनबाड़ी केंद्र, विभागीय अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, कार्यकर्तियों ने दिया चेतावनी। ये बहनों ने 12 जून को अपने वहां संघर्ष किया था, जिसके बाद से उनको अब जाकर के कहीं जो है राहत मिली है। तो ऐसे ही जो है यहां पर ग्रीष्मकालीन अवकाश लागू नहीं हो गया, इसके लिए वहां पर उत्तराखंड में जगह जगह यूनियन ने और बहनों ने प्रदर्शन भी किया है और अपनी मांगों को भी उठाया है, तब कहीं जाकर के ये बताया जा रहा है कि देहरादून के आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 जून से 4 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। तो देहरादून से की जानकारी निकल के आ रही। यहां पर और भी बताया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुधवार को कार्यकर्तियों की मांगों का संज्ञान लेते हुए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक सप्ताह के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। उधर अवकाश की घोषणा के बाद उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार और महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्र इनसे मुलाकात की है और अवकाश घोषित करने के लिए उनका आभार भी जो है जताया है। इनके अलावा आप देख रहे हैं संगठन की प्रांतीय मंत्री हैं सुशीला खत्री, उन्होंने बताया कि 19 जून से पल्स पोलियो अभियान में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके तहत कार्यक्रम यानी इसके तहत जो कार्यकर्ता बहनें वो घर घर जाकर के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। इस अभियान के बाद 27 जून से 4 जुलाई तक आंगनबाड़ी केंद्रों में बाद में फिर अवकाश कर दिया जाएगा। इनके अलावा देख रहे हैं डेंगू से बचाव की भी जानकारी दी है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने चंद्रमणि खालसा क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया नियंत्रण के लेकर के यहां पर प्रचार प्रसार कराया है, जिसके बारे में जानकारियां दी गई हैं। पंपलेट वगैरह भी वहां पर जागरूकता के लिए बांटे गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, रुखसाना बेगम बहन आती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से,
बहन ने पूछा है, गुड मॉर्निंग भैया जी, मैं रुखसाना आंगनबाड़ी वाराणसी जिले से, क्या पैसा सक्सेस होने के बाद भी अंडर प्रोसेसिंग में दिखता है? अगर ऐसा होता है तो प्लीज बताएं। देखो कभी कभी टेक्निकल खराबियां हो जाती हैं जिसके कारण ऐसा हो जाता है। जो आप लोगों का 2019 का आप देख रही हैं लगा हुआ है, 2020 का लगा हुआ है, 21 का लगा हुआ है, ऐसे तमाम वित्तीय वर्षों के पैसे आपके जो शो हो रहे हैं और उनमें सक्सेस वाली जो डेटे हैं वो डेटे भी शो हो रही हैं, बस आपका अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है। तो ऐसा भी काफी लोगों का मानना है कि पैसा तो पहले सारी वित्तीय वर्षों का आ चुका था, ये जो भी लगा है ये टेक्निकल खराबी हो सकती है। तो इस तरह से आप जो है समझ सकती हैं कि ऊपर से टेक्निकल खराबी किसी तरीके से हो सकती है, तो यहां पर ये बिल्कुल हो सकता है। तो बाकी आप देख रहे हैं, इसके अलावा रितु बहन आती हैं अयोध्या से, भैया जी नमस्कार, 20-25 दिन हो गए हैं पीएलआई का पैसा अंडर प्रोसेसिंग पर दिखा रहा है, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, ये कब सक्सेस होगा प्लीज बताएं। तो ये आप सब बहनों को पता होना चाहिए कि अंडर प्रोसेसिंग में जो भी दिखता है ये ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, ये बैंक द्वारा होती हैं या जो भी वहां के अधिकारी उनके द्वारा होती हैं। कब सक्सेस होगा, क्यों आखिर लटका पड़ा गया है, इसके बारे में जानकारी दे पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो इंतजार कर लीजिएगा, हर एक बहन का जो है ऐसे ही प्रोसेसिंग में होगा, जिसका जिसका आता जाता है, जहां जहां से बहने अवगत कराती जाती है, थोड़ा और इंतजार सही। इनके अलावा एक ये बहन है, इनका कहना, सुधांशु भैया नमस्ते, मेरा नाम जो है इंदुमती है और गोरखपुर जिले से आती हैं, और इन लोगों का मानदेय इनका कहना है कि 4500 रुपया ही आ रहा है केवल। तो ये देखिएगा 4500 ही आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार वाले पैसे जो है अभी जो वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पीएलआई स्वरूप जो आ रहे हैं वो भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से शायद आपको दिक्कतें आ रही होंगी। इनके अलावा ममता सिंह बहन है, रायबरेली से आती हैं, इनका कहना, सुधांशु भैया हमारे यहां पर सुपरवाइजर कह रही थी कि सर जो पोषण ट्रैकर पर काम करो तो 10,000 रुपया मिलेगा, 10,000 बिल्कुल भी नहीं, 10,000 का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर आपने ये सही लिखा, अगर आपने ही गलत लिखा होगा, शायद अगर 10,000 को 1,000 लिखना चाहती होंगी, गलती से आपने इसको 10,000 लिख दिया है तो ये आपकी गलती है। लेकिन अगर आपसे विभाग ने कहा है, सुपरवाइजर ने, कि 10,000 मिलेंगे अगर पोस्टर ट्रैकर पर काम करोगी, तो आपको ये गलत तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जिसके आधार पर 10,000 रुपए आपको दिए जाए। इनके अलावा देख रहे हैं, मधु बहन आती है फतेहपुर से, और उनके वहां से फोटो उन्होंने भेजी है। और इनके अलावा यहां पर आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलेंगे।